खबरों में बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को स्वच्छ और साफ रखने की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं महुआ नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महुआ से सूरज भान हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज भान, महुआ में आज जिला अधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये अभियान जो चलाया गया, जो हमारे महुआ जिले के जिलाधिकारी द्वारा चलाया गया है अभियान, क्योंकि इसमें हमारी जो स्वच्छता से संबंधित चीज़ें हैं और ये जानकारियां हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जन जन तक नहीं अभी भी कोई प्रभाव पड़ रहा था इसका, तो महुआ जिला में जो कर रहे हैं वो अपने यहाँ पर अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी जी ने यहाँ पर जाकर जगह जगह पर ये रैली निकाल कर इसका कार्यक्रम करना चाहा, ताकि हमारे पे हम भी इस पर जागरूक हों और जनता भी जागरूक हो। सूरत जिला अधिकारी द्वारा आज महुआ में जो रैली निकाली गई है और लोगों को जागरूक किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो जो रैली निकाली गई है, जो जगह जगह से रैली निकाली गई है, हमारे तहसील होते हुए नगर पालिका होते हुए जो रैली पूरे महुआ जिले में फैलाई गई है, ये इसी से संबंधित रैली निकाली गई है कि ऐसा बना रहे कि हमारी ये सूचना जागरूक, जो लोग जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक किया जाए और हम लोग भी जागरूक हों और जगह जगह पर अधिकारी भी जागरूक हों और पॉलीथीन से संबंधित जो है आज इसमें बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं बंद करवाया गया है मोदी जी द्वारा, लेकिन फिर भी यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारे जिलाधिकारी जी ने उचित समझा और रैली निकाली और लोगों को जागरूक करने का सलाह ली कि इसके वजह से एक रैली के माध्यम से सभी लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए आश्वासन दिया। सूरज, वहीं आपने अगर लोगों से बात की हो तो उनका क्या कुछ कहना है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर? हाँ, उन्होंने मैंने बात की थी और मैंने लोगों से ये चर्चा भी हुई है, तो लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है तब प्रधानमंत्री जी द्वारा तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज भी पन्नी कायम रहती हैं, हर जगह पे पन्नी आज भी पाई जाती हैं जो कि बंद करवा दी गई हैं, फिर भी इस पर कोई लापरवाही बरती जा रही है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस रैली के माध्यम से हो सकता कि प्रभाव पड़े, ये जनता का कहना है। जी शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।